हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के बारे में, जिसको बोलते हैं साधारण वर्नियर कैलिपर। ठीक है, हमारे पास जो अभी वर्नियर कैलिपर है ये है 100 mm का। ठीक है, ये लेंथ चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर नीड, लाइक 150 mm, 200 and 300 mm। ठीक है, एंड जो स्केल होता है, स्केल अगर आप देखेंगे यहाँ 0 to 10, 20, 30 और ये 100 तक दिया हुआ है, बट ये स्केल इंचेस में भी आता है जो यहाँ ऊपर बना होता है, वो अभी आगे हम दिखाएंगे आपको उस वर्नियर के बारे में। और इसका जो लीस्ट काउंट है वर्नियर का वो 0.05 mm है। ठीक है, ये मिनिमम त्रुटि ये वर्नियर कर सकता है और ये मिनिमम इसका स्केल है। जो ये वाला स्केल है 0 और 1, ये दोनों मिला के 0.1 mm क्रिएट करते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए ये कम से कम मेजर जो कर सकता है वो 0.05 है, मतलब 50 microns, और यही इसका लीस्ट काउंट है। ओके, इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स क्या क्या हैं इसके वर्नियर कैलिपर के? फर्स्ट हम आते हैं आउटसाइड जा। ठीक है, इस जा से हम आउटर साइड नापते हैं, जैसे थिकनेस नाप सकते हैं किसी शीट का, आउटर डायमीटर नाप सकते हैं, इससे हम इंटरनल जा नापते हैं। ठीक है, आईडी होता है, उसको आईडी को इसमें इंसर्ट करके इसका इंटरनल जा नाप सकते हैं। इंटरनल जा से इसकी डायमीटर इंटरनल जो होती है वो मेज़र कर सकते हैं। ये लॉकिंग स्क्रू है, ठीक है, इसको टाइट करते हैं स्क्रू की तरह, बिकॉज ये एक स्लाइडर जा है तो इसको फिक्स करते हैं इसी लॉकिंग स्क्रू से। ठीक है, ये स्लाइड जब करते हैं, ये थंब यहाँ प्रेस करके इसको आगे की तरफ स्लाइड करते हैं। वैसे मैनुअल वाला है ये, तो इसमें कोई बियरिंग वगैरह नहीं फिट होता है। डिजिटल एंड डायल वर्नियर होते हैं, उसमें यहाँ छोटा सा रोलर बियरिंग टाइप का फिट होता है। ओके, और ये हमारा स्केल है मैट्रिक का। अगर आप ऊपर देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था कि इंचेस में भी आता है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 inches और 150 mm एंड 15 centimeter। 1 centimeter में 10 mm होता है, तो ये नीचे का जो पैमाना दिया हुआ है स्केल, ये सेंटीमीटर में है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये है 15 centimeter, मतलब 150 mm। ठीक है, और ये 10 पार्ट में डिवाइड है और ये mm होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब आते हैं इसके लिस्ट काउंट पर और इसका मिनिमम जो स्केल का वो दिया हुआ है वो कितना है। ये 0.05 है, इसमें भी वही स्केल दिया हुआ है, 0.01 का स्केल दिया हुआ है, और मिनिमम त्रुटि ये 0.05 का कर सकता है। ठीक है, और ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होती है, जब हम ये स्लाइडर को पीछे स्लाइडिंग जा को करते हैं तो ये ब्लेड पीछे निकलता है, जिससे हम डेप्थ मेज़र करते हैं। डेप्थ तो वैसे हम दोनों जगह से मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से किसी डेप्थ में जाना हो जहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है उसके लिए, और इस वाले पोर्शन से, मेरे डिजिटल वर्नियर वाले में आपने देखा होगा, ये फ्रंट वाला पोर्शन और बैक पोर्शन मिला के हम किसी चीज़ का डेप्थ मेज़र कर सकते हैं, एज अ हाइट गेज जैसे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आइए एक मेज़रमेंट देखते हैं कि कैसे नापते हैं एंड वर्नियर का डिफरेंट स्केल कैसे है। देखिए, 2 टाइप के स्केल हैं हमारे पास। एक तो देखिए, इसमें इंचेस है ऊपर, नीचे सेंटीमीटर एंड एमएम है। इसका जो स्केल है 0.05 है, मतलब 50 माइक्रोन है, एंड ऊपर जो है 1/128 inches है। सेकंड वर्नियर में अगर आप देखेंगे तो ये 0.02 माइक्रोन एमएम है, जिसको 20 माइक्रोन कहेंगे, एंड इसका जो स्केल ऊपर का दिया हुआ है वो 0.01 inches में है। ठीक है, एंड मैं बता दूं कि इसमें सूत भी होता है। सूत क्या होता है, जैसे 1 inch में 25.4 mm होता है, तो 1 inch में 8 सूत होता है, तो 8 सूत डिवाइड अगर आप करेंगे 25.4 को, तो आपको 3.17 ऐसी कुछ मिलेगा, 175 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से सूत का भी स्केल होता है जो हम मेज़र करते हैं। ठीक है, आइए एक एमएम में मेजरमेंट को देखते हैं। देखिए, एक मेजरमेंट हमने सेट किया है, फर्स्ट आपको यहाँ देखना है
कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुका है, 1 सेंटीमीटर सॉरी। उसके बाद कितने mm क्रॉस किया है इसके जो जीरो है उसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1 सेंटीमीटर एंड 6 mm, ठीक। एंड अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा पोर्शन और मैच कर रहा है इस वाले लाइन से। तो अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये जो 2 है इसकी लाइन प्रॉपर मैच कर रही है, ठीक है। एंड ये स्केल 0.05 में है तो हमारे पास 0.2 हो गया। एंड इसके बाद देखते हैं क्या मैच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो है, मतलब 0.5, ठीक, ये भी मैच कर रहा है। तो इसका स्केल हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट तो हमारे पास देखिए, जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद 6 mm ये हो गया, एंड 0.2 और 0.5, 0.2 यहाँ से मैच किया और 0.5 यहाँ से मैच किया। तो कंप्लीट जो डायमेंशन हमारे पास आता है 10 + 6 + 0.25 = 16.25 mm इसका वर्नियर का मेज़रमेंट आ गया। तो ऐसे हम ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट लेते हैं। और ये 0.05 का स्केल था और ये 20 माइक्रोन्स का स्केल होता तो वहाँ पे अलग मेज़रमेंट आता, ठीक है। तो ये 0.022 हो जाता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, जो साधारण वर्नियर कैलिपर है, उसको कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।